हेलो ऑल फीमेल आर्मपिट लवर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल पिट्स केयर में। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए यूट्यूब की टॉप 3 फीमेल्स के आर्मपिट शेविंग वीडियो। आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। हाउ टू सेव आर्मपिट हेयर एट होम फॉर बिगनर्स। दोस्तों आज के टाइम में लड़कियों की प्रमुख समस्या है अंडरआर्म हेयर्स। जब तक कि आप पूरी बाजू के कपड़े पहने रहते हैं तब तक बगल के बालों को साफ करना कोई बड़ी और ज़रूरी बात नहीं लगती, लेकिन जब आप स्लीवलेस कपड़े पहनते हैं जिसमें बगल के बाल दूसरे को दिखते रहते हैं तो यही बाल आपके पूरे लुक को ख़राब कर सकते हैं। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है और तब आपके पास अन्य विकल्पों के बारे में सोचने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचता। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप घर पर ही अपने अंडरआर्म हेयर्स को कैसे हटा सकते हैं। आर्मपिट हेयर को शेविंग करने के लिए सबसे पहले हमें पैसेंस की जरूरत होती है और साथ में हमारा जो हाथ है वो स्थिर भी रहना चाहिए, नहीं तो इससे हमें कटने छिलने का डर बना रहता है। दोस्तों घर पर ही आसानी से बगल के बालों को साफ करने के लिए शेविंग सबसे पसंदीदा तरीका माना जाता है। कुछ ही मिनटों में आप बगल के बालों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए मुख्यतः आपको बस एक रेजर मशीन चाहिए होता है और आप बगल के बालों को शेव करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। अंडरआर्म हेयर को सेविंग करने से पहले हमें बगल के बालों को अच्छी तरह से बॉडी वॉश से धो लेना चाहिए और साफ कपड़ों से थपथपा कर सुखाना चाहिए, जिससे कि बाल बिल्कुल मुलायम हो और सेविंग करने में हमें आसानी हो। इसके बाद सेविंग क्रीम को पर्याप्त मात्रा में बगल के बालों में लगाएं। अब सेविंग मशीन के द्वारा अपने बालों के उगने के डायरेक्शन में सेव करते रहे जब तक कि सारे बाल रिमूव ना हो जाए। उसके बाद हम अपने आर्मपिट को गुनगुने पानी से धो लेना चाहिए और साफ कपड़े से थपथपा कर सुखा लें और स्किन को शांत करने के लिए बॉडी लेशन लगाएं। दोस्तों शेविंग करना बहुत ही आसान है। अंडरआर्म हेयर्स को शीघ्रता से साफ करने के साथ साथ यह आपकी त्वचा को एक्सफोलिएट भी करती है। हालांकि यह मेथड जल्दी से काम करती है लेकिन इससे कटने और छिलने की आशंका बनी रहती है। इसके अतिरिक्त इससे हमेशा दो मुंह वाले बाल विकसित होने की संभावना भी बनी रहती है। साथ ही बाल कुछ ही दिनों के भीतर वापस उग जाते हैं और आपको फिर से बालों को शेव करना होता है, इसलिए कुछ लोग शेविंग करने से बचते हैं। तो दोस्तों आपको यह आर्मपिट शेविंग ट्यूटोरियल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कॉमेंट करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।